hey students i am rakesh kumar Seni. welcome to my youtube channel my notes and if you like the channel the way i prepared the notes for you guys so please subscribe to my youtube channel you also share it within your friend circle and of course like the channel okay guys so let's begin today we are going to discuss sexual reproduction earlier we have studied asexual reproduction and its various types basically there are two types of uh, sexual uh, there are two types of reproduction one is asexual and another one is sexual so what do you mean by sexual reproduction so basically it is a mode of reproduction in which new organisms are formed from two periods दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है तो अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट हुआ करता था आप नहीं बता सकते कि वो फादर है कि मदर है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक फादर होगा और एक मदर होगी ठीक है और दोनों के बीच में क्या होता है सेक्स अब सेक्स बेसिकली होता क्या है तो एक फिजिकल कॉन्टेक्ट है दोनों के बीच में और फिजिकल कॉन्टैक्ट से होगा क्या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से मेल और फीमेल गैमिट्स के बीच में फ्यूजन होती है फ्यूजन मीन्स दे रिकम्बाइन दे कंबाइन टूगेदर जो मेल सेक्स सेल्स हैं गैमिट्स को हम सेक्स सेल्स बोलते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको गैमिट्स भी बोला जाता है तो जो मेल गैमेट्स हैं वो किसके साथ कंबाइंड होंगे फीमेल गैमेट्स के साथ तो जब वो कंबाइन होते हैं तो उसको फ्यूजन बोला जाता है ठीक है ना तो इसके लिए सेक्स जरूरी है फिजिकल कॉन्टेक्ट होना दोनों के बीच में जरूरी है न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और इसकी एक खासियत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इसमें जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते मतलब हु वो उनकी टू कॉपी नहीं होती ठीक है ना उनमें वेरिएशंस होता है और यही इसकी खासियत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि इसमें वेरिएशंस आते हैं ठीक है ना इसमें वेरिएशन होते हैं और ये वेरिएशन किस वजह से होते हैं डीएनए कोपिंग की वजह से वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों प्रिफर किया जाता है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फायदे क्या है इसके तो एक तो वही है कि इसमें वेरिएशन आती हैं ठीक है ना तो इट टू ब्रिंग वेरिएशंस इन स्पीशीज अब वेरिएशंस आने से होगा क्या तो वेरिएशंस जो है ये एंश्योर करता है किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल को उसके सर्वाइवल को पक्का कर देता है ठीक है ना अगर ये वेरिएशंस नहीं आएंगी तो किसी भी स्पीशीज का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा अब सर्वाइवल इन द सेंस कि अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है टाइम बदल रहा है जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है वो भी चेंज हो रही हैं आज से दो साल पहले का टेम्परेचर अलग था मौसम अलग था तो वहां की जो लोगों की जो उस टाइम के जो लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो अलग था और आने वाले 200 साल के बाद सिचुएशन और ज्यादा बदल जाएगी ठीक है ना तो ग्लोबल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि आप टेम्परेचर ले सकते हो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो हम आजकल जो खाना जो हमारा जो जो भी हमारी फूड हो रही है वो सारा प्रोसेस्ड फूड है ठीक है ना और इनफैक्ट जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स हम खाते हैं उसमें भी दुनिया भर का फर्टिलाइजर्स उसमें मिलाया जाता है तो ये कही कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है हमारी बॉडी को खराब कर रहा है ठीक है ना तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है इन चीज़ों के लिए एडजस्ट करेगी या हो रही है ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी को हम क्या बोलते हैं वेरिएशंस बोलते हैं ये जो बदलाव आते हैं ठीक है ना इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं अब आपने बियर देखे होंगे भालू अब एक होता है पोलर बियर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहता है और एक होता है जो हमारे नॉर्मल यहाँ रहता है चिड़ियाघर में जू में रहता है क्या फर्क क्या दोनों में एक रहता है माइनस सिक्सटी डिग्री टेम्परेचर पे और एक रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो, तो दोनों की बॉडी के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही दिखता है लेकिन दोनों में फर्क कितना है कि जो पोलर बियर है उसकी बॉडी इस तरह से डिजाइंड हो रखी है कि वो माइनस फोर्टी डिग्री टेम्परेचर को झेल सके और यहां जो पोलर बियर है वो उस चीज को नहीं झेल पाएगा ठीक है ना अगर इसको ले जाके नॉर्थ पोल पे ले जाके रख दो अपने जू से निकाल के बियर को तो वो क्या होगा वहां जाते मर जाएगा क्योंकि वो इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए अपने आप को बना उसने तैयार नहीं किया ठीक है ना तो वेरिएशंस यहां इस चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे डॉग का एक एग्जाम्पल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर एकदम से टेम्परेचर गिर गया मान लीजिए तो कौन से डॉग सर्वाइव करेंगे वो डॉग सर्वाइव करेंगे जिनकी बॉडी के ऊपर फर होगा बाल होंगे क्योंकि वो वही ही जो है उसको गर्म रख सकते हैं ठीक है ना उसकी बॉडी को गर्म रख सकते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे बाकी के जितने भी डॉग हैं वो क्या हो जाएंगे वैनिश हो जाएंगे लेकिन इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म नहीं होगी ठीक है ना डोक तो बची गई फिर भी तो ये है वेरिएशन का फायदा क्लियर है आपने फसल देखी होगी फसलों में खेतों में क्या होता है कि मान लीजिए कोई फसल है और एकदम से मौसम चेंज हो गया मतलब ठंड में एकदम से बहुत ज्यादा एक्सेस में ठंड हो गई तो क्या होते पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है क्यों क्योंकि वो फसल उस ठंड उस के लिए उस टेम इन्वायरमेंटल के लिए वो है ही नहीं तो यह दिक्कत होती है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और सारी फसलें ए रिप्रोडक्शन से नहीं होती जो हम बीज डाल के जो खेती करते हैं जहां सीड हम यूज करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और जो बाकी के मैंने ए सेक्सुअल वाले कितने हैं छः सात जो मैंने वो डिस्कस ही चुका हूँ आपके साथ ठीक है ना मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो जिसमें कटिंग बडिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग तो ये सब एक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है वेरिएशन ऑल्सो हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो एक लंबे टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो वेरिएशन की वजह से जो है एक पूरी की पूरी स्पीशीज के अंदर एक बदलाव आ जाता है एक इवोल्यूशन आ जाता है उसके अंदर ठीक है ना अगर आज से एक हजार साल पहले देखें तो ह्यूमन बींग का बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग था ठीक है ना और आज से एक हजार साल बाद देखेंगे तो उस दौरान भी बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग होगा तो ये, ये जो जो आइडेंटिटी से से in और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये फायदा है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है यूनिकनेस होती है वो किसी के साथ मैच नहीं करता ठीक है ना क्लास में देखा होगा हर एक बच्चे की अपनी एक फिजिक होती है अपनी एक लुक होती है और उसकी अपनी एक सबकी आवाज़ किसी की भी आवाज़ मैच नहीं करती ठीक है ना आवाज़ टोन अलग होती है हाइट अलग अलग हो सकती है बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लुक्स सबकी अलग अलग होती हैं तो ये वेरिएशन हैं और यही नहीं क्लास ही नहीं आप पूरे वर्ल्ड में आप कंपेयर करोगे तो कोई भी बंदा किसी के साथ मैच नहीं करता यही ब्यूटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा हैं ठीक है ना और ये वेरिएशन होते किस वजह से हैं डी एन की वजह से हाउ और ये डीएनए कॉपी कैसे होता है हाउ डीएनए गेट्स कॉपीड फ्रॉम टू पेरेंट्स कैसे कॉपी होता है डीएनए तो देखिए बेसिकली कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किससे बना है सेल से बना है ठीक है और सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये ये जो है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है क्रोमोजोम्स और इसको अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह का दिखता है क्रोमोजोम ठीक है ना ये ये पेयर में होते हैं पेयर में होते हैं और इसमें जो है ये, ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो इसे बोलते हैं जीन ठीक है ना और इस जीन के अंदर होता है डीएनए अगर इसको आप डीएनएम करोगे तो ये डीएनए होता है ठीक है ना और ये जो है आपके जो ब्रैकेट्स दिखेंगे ये आपके होते हैं जेनेटिक्स ये जेनेटिक कोड आपका कैरी करता है ठीक है ना और ये बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा हाइट कैसी होगी आवाज कैसी होगी आंखों का कलर कैसा होगा बालों का कलर कैसा होगा हर एक चीज सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर छुपी रहती है तो बेसिकली क्रोमोजोम कितने होते हैं एक सेल के अंदर फोर्टी सिक्स एक सेल के अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं ठीक है तो जब फ्यूजन होता है मेल सेक्स मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है मेल सेक्स और फीमेल सेक्स का जब फ्यूजन होता है तो न्यू सेल तैयार होता है ठीक है ना मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल के अंदर 46 प्लस 46 सिक्स क्रोमोजोम आगे उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम ही रहेंगे अदरवाइज तो जो हमारी थ्योरी चेंज हो जाएगी सेल की ठीक है ना क्रोमोसोम जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर भी कितने होंगे 46 ही होंगे उसके सेल में भी तो ये होते कैसे हैं ये क्या है कि कॉपी मतलब किस तरीके से कॉपी होते हैं हाफ हाफ लिए जाते हैं हाफ फादर से आएंगे और हाफ मदर से आएंगे तो 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं तो 44 फोर प्लस एक्स वाई ये जो दो क्रोमोजोम है ये ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्चुअल में ठीक है ना तो 44, 45, 46 सिक्स ये हो गए टोटल 46 ऐसे वुमेन के अंदर होते हैं 44 प्लस ये एक्स एक्स जो है ये सेक्स क्रोमोजोम है ठीक है तो 46, 46 होते हैं अब कॉपी कैसे होगा जैसे मान लीजिए हम आई आई क्रोमोजोम ले लेते हैं आई तो फादर की आई मान लीजिए ब्लैक है और मदर की आई मान लीजिए ब्लू है तो जो आई का क्रोमोजोम होगा वो फादर से उठाएगा ब्लैक मदर से उठाएगा ब्लू तो अब बच्चे की आंख कैसी होगी ऐसा तो नहीं है कि एक आंख ब्लू गई एक आंख ब्लैक हो गई ऐसा तो नहीं होता तो वो देखता है कि डोमिनेटिंग ट्रेड कौन सा है डोमिनेटिंग ट्रेड कौन सा अगर ब्लैक अगर डोमिनेटिंग है तो बच्चे की आंख का कलर जो है ब्लैक हो जाएगा अगर ब्लू अगर डोमिनेटिंग हुआ तो बच्चे की आंख का कलर ब्लू हो जाएगा तो वो डोमिनेटिंग ट्रेड्स पे डिपेंड करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो दूसरा है, जो डोमिनेटिंग नहीं था जिसे हम रेसेसिव ट्रेड बोलते हैं वो उसकी बॉडी में नहीं रहेगा वो रहेगा लेकिन वो कैसे रहेगा डोरमेंट कंडीशन में रहेगा इनएक्टिव रहेगा वो ठीक है ना तो वो भी रहता है उसमें लेकिन हमें दिखेगा कौन सा जो उसके अंदर डोर जो उसमें एक्टिव होगा ठीक है ना डोमिनेटिंग जो ट्रेड होगा वो हमें नजर आता है ऐसे जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं देखिए इसमें एक्स और वाई फादर के अंदर दोनों होते हैं एक्स और वाई और मदर के अंदर सिर्फ एक्स एक्स होते हैं तो अगर फादर का फादर का अगर एक्स मदर के एक्स के साथ अगर जाएगा फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ अगर गया तो उस केस में फीमेल प्रोड्यूस होती है ठीक है और फादर का वाई अगर मदर के एक्स के साथ गया तो उस केस में बॉय प्रोड्यूस होता है जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो बॉय होगा तो कहने का मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आदमी क्योंकि आदमी के अंदर ही मैन के अंदर ही जो है दोनों क्रोमोजम होते हैं एक्स और वाई जबकि फीमेल के अंदर दोनों ही क्या है सेम रहते हैं एक्स एक्स ही रहते हैं अब कंबाइन कैसे होगा कौन सा कंबाइन होगा तो वो डिपेंड करता है कि डोमिनेटिंग ट्रेड कौन सा मान लीजिए अगर इसमें ये इसका ये डोमिनेटिंग ट्रेड है एक्स तो ये एक्स आगे जाएगा और इसके एक्स के साथ तो कौन सा पैदा होगा गर्ल पैदा होगी और अगर ये डोमिनेटिंग है वाई डोमिनेटिंग है तो ये और एक्स के साथ गया तो उस केस में बॉय प्रोड्यूस होगा क्लियर है अब देखिए जम सेल्स सेक्स सेल्स गैमेट्स ये सब एक ही है अलग अलग नाम है इनके ठीक है ना एक ही चीज है ये इनको हम जम सेल्स भी बोल देते हैं सेक्स सेल्स भी बोल देते हैं और गैमेट्स भी बोल देते हैं अब बेसिकली गैमेट्स होते क्या हैं? दे आर हैप्लोइड सेक्स सेल्स हैप्लोइड मीन्स हाफ हाफ होते हैं ये ठीक है ना ये देखिए ये मतलब ये हाफ इसको हम बोला जाता है क्योंकि ये पेयर में रहते हैं तो पेयर में रहते हैं, तो एक सिंगल जैसे ये हाफ ही हो गया तो इसका हाफ आएगा और इसका हाफ आएगा ठीक है ना तो इस तरीके से ये हाफ हाफ चलते हैं अगर मतलब इसका हाफ ये एक्स गया और इसका हाफ एक्स गया तो उस केस में गर्ल है इसका हाफ बाई और इसका हाफ एक्स गया तो उस केस में बॉय तो ये हाफ हाफ जाते हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हैप्लोइड बोला जाता है इसको तो दे आर हैप्लोइड सेक्स सेल्स एग जो होता है वो फीमेल और जो स्पर्म होते हैं वो मेल के होते हैं विच कंटेन्स ए सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम हर एक क्रोमोजोम की एक सिंगल कॉपी लेके चलते हूँ ठीक है ना तो सिंगल कॉपी लेके चलेगा कैसे या तो एक्स ही जाएगा आगे या वाई आगे जाएगा या तो इसका ये ये आगे आगे जाएगा जाएगा या फिर ठीक है ना तो सिंगल कॉपी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर आइडेंटिकल टू इच अदर कुछ ऑर्गेनिज्म से मेल और फीमेल गैमिट्स एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ कुछ के अंदर ये डिफरेंट होते हैं ठीक है ना जैसे ह्यूमन है इनके अंदर डिफरेंट होते हैं तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं मोटाइल मोटाइल मीन मूवेबल मूव करते हैं ठीक है ना और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक्चुअल में फूड स्टोरेज का, का काम करते हैं तो जो भी न्यू न्यूबोर्न बेबी होता है उसके उसको उसकी जो नीड है फूड सप्लाई जो है वो सब फीमेल गैमेट का, का काम होता है और क्योंकि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है मूवेबल होता है तो मूव करने के लिए अब ये जो है देखिए इस का एक डायग्राम है तो कुछ इस तरह से दिखता है इस स्पम इसमें ये हेड होता है और एक लंबी इसकी टेल होती है और ये टेल ही जो है इसको मोटाइल बनाती है इसको मूव करने में हेल्पफुल होती है टेल इस वजह से ये मूव करता है ठीक है ना क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि ये कैसे मतलब मूव कर पाता है ठीक है और ये जो है आपका ये है ये फीमेल सेक्स सेल है जिसे हम ओवन भी बोलते हैं या एग